इस वीडियो में हम डीएनए की संरचना को जानेंगे कि डीएनए किस किस तरीके से बना है। डीएनए जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनसे मिलकर क्या बना है, डीएनए। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने, एक न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड है उसमें क्या क्या पाया जाएगा, शुगर पाई जाएगी और नाइट्रोजन बेस, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब जो शुगर है वो दो प्रकार की होगी, राइबोस और साथ में डिऑक्सी राइबोस। राइबोस शुगर जो है वो किसमें पाई जाएगी, वो पाई जाएगी आरएनए में, और जो डिऑक्सी राइबोस शुगर है वो डीएनए में पाई जाएगी। उसके बाद जो हमारा नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस प्यूरीन बेस से मिलकर बना होगा और पिरिमिडिन बेस से मिलकर, प्यूरीन बेस और पिरिमिडिन बेस। अब जो प्यूरीन बेस है उसमें दो पाए जाएंगे, एक तो एडेनिन पाए जाएंगे और साथ में ग्वानिन पाए जाएंगे, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरीन बेस में क्या पाए जाएंगे, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। उसके बाद पिरिमिडिन जो बेस है उसमें तीन चीज़ें पाई जाएंगी, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। उसके बाद जो डीएनए है, डीएनए में एटी यानी एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड, और सी सी जी यानी साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ग्वानिन और साइटोसिन। अब ये यूरेसिल किस में पाया जाएगा, आरएनए में पाए जाएंगे, आरएनए में पाया जाएगा ए टी की जगह सी, ए यू सॉरी सी नहीं ए यू, यानी एडेनिन और यूरेसिल, और ग्वानीन और साइटोसिन और ग्वानीन, साइटोसिन और ग्वानीन। आरएनए में एडेनिन और थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाएगा और ग्वानीन और साइटोसिन और ग्वानीन पाया जाएगा। ग्वानीन और साइटोसिन के मध्य जो है ट्रिपल हाइड्रोजन है ना, ट्रिपल हाइड्रोजन पाए जाएंगे, और एडेनिन और थायमिन के जो मध्य है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। अब दोबारा से एक बार इसे देख लेते हैं, डीएनए हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को मिलकर बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दो दो चीज़ों से मिलकर बने, एक न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड भी शुगर और नाइट्रोजन बेस दो दो से मिलकर बना है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर में राइबोस शुगर आरएनए में पाई जाएगी और डी राइबोस शुगर जो है वो डीएनए में पाई जाएगी। उसके बाद नाइट्रोजन बेस में प्यूरीन बेस और पिरिमिडिन बेस पाया जाएगा, प्यूरीन बेस एडेनिन और ग्वानिन होगा, प्यूरीन बेस के अंदर एडेनिन और ग्वानिन होगा, और पिरिमिडिन बेस के अंदर थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा। इसमें एडेनिन जो डीएनए है वो एडेनिन यानी एटी सीजी, एडेनिन और थायमीन डबल बॉन्ड बनाएंगे, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद आरएनए में एडेनिन के साथ यूरेसिल बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन के साथ ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा। अब इसके बाद हम जानेंगे कि डीएनए का मॉडल किसने दिया और डीएनए की किस तरह संरचना होती है। पहले से मिटाते हैं, डीएनए मॉडल डीएनए का मॉडल वॉटसन और एवं क्रिक ने दिया, वॉटसन एवं क्रिक, वॉटसन एवं क्रिक। वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया, कुछ इस प्रकार का था। इस एक भाग को हमने क्या बोला था, जीन, इनके बीच में बॉन्ड बने हुए हैं। इसी प्रकार इसमें बने हुए हैं, इस तरह इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं,
10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें, एक खाने में यानी एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 10 10 न्यूक्लियोटाइड्स। इस एक भाग में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए गए, और इस एक भाग की लंबाई को कितनी बताया गया, 34 एंगस्ट्रॉम इसकी एक भाग की लंबाई थी, 34 एंगस्ट्रॉम। जब 34 एंगस्ट्रॉम इस एक भाग की लंबाई थी तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 10। अब इन दो भागों में से एक भाग की लंबाई कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कैसे पता चला, 10 से डिवाइड करके, क्योंकि 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उनमें से एक भाग की कितनी लंबाई होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद जो इसकी एक भाग की लंबाई है, ये लंबाई होगी 10 एंगस्ट्रॉम, ये जो यहां से लेके यहां तक लंबाई जो है इसकी कितनी होगी, 10 एंगस्ट्रॉम। जो वॉटसन एंड क्रिक ने यही मॉडल दिया कि इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे, उसके साथ इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होगी, और 10 एंगस्ट्रॉम की जो 10 एंगस्ट्रॉम है वो इस एक एक भाग की इस तरह की लंबाई होगी। अब इसके बाद हम जानेंगे आरएनए। आरएनए क्या है, आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए है वो किस किस में पाया जाएगा, आरएनए सबसे पहले न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक, यानी केंद्रक के अंदर जो इस तरह केंद्रक बनाया था हमने, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियोलस है इसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए ओलस। न्यूक्लियोलस में आरएनए पाया जाएगा, साथ में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक यानी सेल के अंदर ये जो द्रव्य भरा है इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए। साथ में जो आरएनए है वो तीसरे किसमें पाया जाएगा, राइबोसोम, राइबोसोम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरएनए न्यूक्लियोलस में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, राइबोसोम में पाया जाएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। अब न्यूक्लियोलस जो आरएनए, आरएनए क्या है, आरएनए जो जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, डीएनए की संरचना कैसी है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। इसके विपरीत आर नीचे वाली संरचना है उसको मिटा दो तो ये ऊपर वाली संरचना रह गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स, सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स संरचना किसकी है, आरएनए की, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, हेलिक कुछ इस तरह से, सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक किसकी संरचना है, आरएनए की। अब कुछ अपवाद है, अपवाद एक्सेप्शन क्या है हमारे, अपवाद है हमारे रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस, रियो वायरस, रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस। रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस में जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक में पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक, डबल स्टैंडर्ड हेलिक। रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस में जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक में पाया जाएगा। आरएनए जो है वो थ्री टाइप्स का होता है, आरएनए तीन टाइप का है। पहला है आर आरएनए, दूसरा हमारा होगा टी आरएनए, और तीसरा है हमारा एम आरएनए। जो आर आरएनए है उसका क्या काम है, आर आरएनए राइबोसोम, राइबोसोम में पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, राइबोसोम, ये राइबोसोम में पाया जाएगा। और इसका क्या काम होगा, आरआरएनए राइबोसोम में पाया जाएगा और ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना,
प्रोटीन संश्लेषण का काम होगा आर आरएनए का। उसके बाद जो ट्रांसफर आरएनए होगा उसका टी यानी ट्रांसफर आरएनए, इसका इसका काम होगा ट्रांसफर आरएनए कोशिका यानी कोशिका द्रव में पाया जाएगा यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, ये साइटोप्लाज्म। और ये अमीनो एसिड को यानी सॉरी न्यूक्लियो एसिड को, अमीनो अम्ल को, न्यूक्लिक एसिड या अमीनो अम्ल को किसके पास पहुंचाएगा? अमीनो अम्ल को, एमिनो अम्ल को राइबोसोम के पास पहुंचाएगा, राइबोसोम के पास। ये एमिनो अम्ल को राइबोसोम के पास पहुंचाएगा कौन सा? ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का क्या होगा? ये डीएनए के थ्रू उसका निर्माण होगा। डीएनए का थ्रू निर्माण यानी केंद्रक में, न्यूक्लियर में डीएनए के थ्रू मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। और इसका काम होगा जो डीएनए जेनेटिक कोड इसे देगा, डीएनए मैसेंजर आरएनए को, आरएनए को एक जेनेटिक कोड देगा। और वो जेनेटिक कोड ये किसके पास पहुंचाएगा? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए जो मैसेंजर आरएनए का क्या काम होगा? मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए में इसका विकास होगा, डीएनए इसका निर्माण करेगा। और डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो जेनेटिक कोड या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे राइबोसोम के पास पहुंचाएगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम के पास पहुंचाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और इसका निर्माण कहाँ होगा? न्यूक्लियर में, केंद्रक में। किसके थ्रू होगा? डीएनए के थ्रू। एक बार दोबारा से आरएनए को रिवाइज करते हैं। आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का, आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियोलस में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और साथ में राइबोसोम में पाया जाएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक होगा, लेकिन कुछ में, कुछ कौन है अपवाद है? रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस। रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस में क्या पाएगा? डबल स्ट्रैंडेड हेलिक पाया जाएगा। उसके बाद आरएनए को देखा, आरएनए कितने टाइप का? आरएनए थ्री टाइप का था, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। जो आरआरएनए है वो किस में पाया जाएगा? राइबोसोम में पाया जाएगा। और ये इसका क्या काम होगा? प्रोटीन का संश्लेषण करना। उसके बाद टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए का क्या काम होगा? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक में जो द्रव है उसमें पाया जाएगा। और ये अमीनो अम्ल को राइबोसोम के पास पहुंचाएगा। उसके बाद मैसेंजर आरएनए ये किस में पाया जाएगा? ये न्यूक्लियर में पाया जाएगा। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जो डीएनए को जेनेटिक इंफॉर्मेशन देगा, वो ये राइबोसोम को पहुंचाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।